हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। मैं श्वेत भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10। तो इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और लेके आपके सामने आए हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये फर्स्ट पार्ट उस क्वेश्चन का दिया हुआ है, 27y³ प्लस 125z³। इससे प्रीवियस वीडियो अगर अभी आपके आपने अगर हमारे देखी हो, तो वहां पे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, प्रूव किया हुआ था। तो उस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको याद हो अगर, तो वहां पर हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो था x³ प्लस y³ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से और किस तरीके से हमने बनाया था, उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो इसे करने के लिए हम इसी तरीके से कुछ फॉर्मूले को अप्लाई करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, किसी नंबर्स के होल क्यूब के फॉर्म में। देखिए, इस एक्स का होल क्यूब है, तो अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ये 27 अलग है एंड वाई क्यूब अलग दिया हुआ है। तो इसके होल क्यूब में इसको लेके आना है। तो अगर देखा जाए तो 27 हमारे पास होता है 3 का क्यूब, एंड वाई क्यूब की जगह पर लिख सकते हैं वाई, इसका लिख देंगे होल क्यूब। देखिए, 3y होल क्यूब मीन्स क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27, एंड वाई का क्यूब क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से 125z³ है, तो ये होता है हमारे पास 5, और ये हो जाएगा जेड, इसका क्यूब बना दिया हमने। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब। अब ये क्वेश्चन हमसे हम इजीली से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि जो एक्स की वैल्यू है, वो 3y है, और जो वाई की वैल्यू है वो हो गई है 5z। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5z। बस इसकी मदद से अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते रहेंगे और इजीली हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे। एक्स की जगह पर रखेंगे 3y, तो 3y प्लस वाई की जगह पर लिखेंगे 5z। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर की अगर बात करें, ब्रैकेट ये वाला यूज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर की अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर हमारे पास 3y² माइनस एक्स, एक्स इज 3y, वाई इज 5z। देखिए, जो वैल्यू यहां पर लिखी हुई है उस वैल्यू को इजिली आप पुट करते रहिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा 5z², इसको आप कर दीजिए क्लोज। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इजी फॉर्मूला ले आते हैं इसे। अगर 3y प्लस 5z, ये हमारे पास हो जाएगा 9y² माइनस 15yz प्लस 25z², ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से बस स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सी आइडेंटिटी हमें यूज करनी है और कैसे हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, वो क्यूब का है या स्क्वायर का है। तो उस फॉर्म में उसको आराम से आप उसको ले आइए, उसके बाद बस फॉर्मूला उसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखते जानी है और आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सो स्टैंड, सेकेंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 64m³ माइनस 343n³। तो ये जैसा ही हमने देखिए क्वेश्चन नंबर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक प्लस वाला फॉर्मूला लगाया था, अब यहाँ पर वही फॉर्मूला हमने क्या रखना है, एक माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो लगाने के लिए सबसे पहले हमें से क्या लेके आना पड़ेगा, होल क्यूब के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो 64 किसका होल क्यूब होता है, 4 का, और एम की जगह पर आप लिख देंगे m³। माइनस ये किसका होता है, 343, 7 का, और इसके आप आ जाएगा क्यूब। और यहाँ पर फॉर्मूला जो आपको लगाना है वो आपकी प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने ड्राइव किया हुआ था, x³ माइनस y³। तो x³ माइनस y³ का फॉर्मूला हमारे पास आया था बच्चों, x माइनस y प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे पता कर लेंगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4n एंड y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 7n। बस इसे इस फॉर्मूले में रखते रहिए और आपका आंसर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैल्यू को पुट करना। x की जगह पर क्या लिखना है, 4m माइनस 7n, देन एक्स स्क्वायर 4m स्क्वायर x 4m मल्टीप्लाई y 7n प्लस y स्क्वायर 7n होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4m माइनस 4n एगा 16m स्क्वायर 28mn प्लस 49n स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने कैसे इजीली अगर हमें आइडेंटिटी लर्न है तो उस आइडेंटिटी के हिसाब से उनके उनको अप्लाई करके हम कैसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा एक बार देख लेते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो ऐसे करने से पहले सबसे पहले आपको ये सोचना होगा ये कौन सी आइडेंटिटी है और कैसे हमने यूज की है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज किसी भी एक फैक्टर का, किसी भी एक आइडेंटिटी का एक एक्सपेंड फॉर्म दिया है, आपको बताना है ये किसका फैक्टर होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा क्यूब वाले फॉर्म में है तो हम इसको लेके आते हैं इस फॉर्म में 3x³ ओके प्लस y³। इसको होल क्यूब वाले फॉर्म में लेके आ जाते हैं सबसे पहले 3 × 3 xy एंड z। आप समझिए क्वेश्चन क्या बन गया है, क्वेश्चन किस तरीके से हमने किया है। तो आपके पास एक ऐसी आइडेंटिटी थी जो हमने बीच में पड़ी हुई थी यहाँ पे, वो थी हमारे पास x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास x प्लस y प्लस z ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आई होप आपको ये आइडेंटिटी याद होगी। अगर याद नहीं है तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जहाँ पर इस क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं तो उनको एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इस वाली इक्वेशन से हम जब इसकी कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू मुझे मिल रही है 3x एंड y की वैल्यू मिल रही है y और z की वैल्यू मिल रही है z। तो इस फॉर्मूले में इसको रख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x की जगह लिखना है 3x, y पर y एंड z पर z, एक्स स्क्वायर 3x² देन y स्क्वायर पर y स्क्वायर जेड स्क्वायर पर जेड स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 3x y माइनस वाई जेड माइनस जेड मल्टीप्लाई 3x। जो वैल्यू हमें दी हुई है, देखिए x की जगह पर आपने ये वैल्यू रख देनी है, y की जगह पर y है, z की जगह पर z है। इस वैल्यू को रखते रहिए और इजीली आपका आंसर आते जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस y प्लस जेड जाएगा 9x² प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है, ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी तरीके से मैंने समझा दिए हैं। तो हमारे चैनल के साथ इजी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।